सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस आज खुद सुरक्षित नहीं है। मामला पुलिस लाइन स्थित आवासीय कॉलोनी का है। अगर कहें यह पुलिस लाइन सुरक्षा के घेरे में रहती है, दिन रात पुलिस सुरक्षा गार्ड गेट पर तैनात है, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन सुरक्षा के बीच चोरों की सेंध पुलिस पर सवालिया निशान लगा रही है। बीती रात चोरों ने पुलिस लाइन करनाल में बने पुलिस के क्वार्टरों में सेंध लगाई। चोर नकदी जेवर व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने उस समय यहां पर निशाना साधा जब पुलिस अधिकारियों का परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। पुलिस लाइन के एक पुलिस अधिकारी ने केस दर्ज करवाया है, जबकि आज कई घरों से शिकायत मिली है जो वापिस आ रहे हैं, जिनको जैसे ही पता चला वे वापिस आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल 6 या 7 घरों के ताले टूटने की पुष्टि जरूर हो गई है। बताते चले कि करनाल में चोरों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। चोरों ने करनाल की नई पुलिस लाइन में बने पुलिस के क्वार्टरों पर सेंध लगाकर यह साबित कर दिया है। चोर यहां से लाखों के गहने नकदी लेकर फरार हो गए। अभी 6 या 7 घरों के ताले टूटे होने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने उस समय वारदात को अंजाम दिया जब पुलिस अधिकारियों का परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। खैर कुछ भी हो, पुलिस वालों के घरों में चोरी की यह वारदात कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि जब पुलिस ही चोरों से सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। अब देखना होगा कि चोर पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ते हैं। सर, ये नई पुलिस लाइन में चोरी का क्या मामला है? कल सुबह नई पुलिस लाइन, जो कैथल रोड पे नई पुलिस लाइन है ना, उसमें कई क्वार्टरों के ताले टूटे मिले। तो उसमें एक विजय पंडित जी हमारे एसआई, उन्होंने कंप्लेंट करी है फिलहाल तो हमारे पास, भाई उन्होंने अपनी लड़की के लिए 4.5 तोले जेवर, सोने के जेवर बनवाए हुए थे, जो वो कोई ताला तोड़ गया ना मालूम, चोरी करके ले गए हैं। और अभी देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, अभी 2-3 इन्फॉर्मेशन हो रही हैं भाई। एक तो और ताले टूटे थे, लेकिन उनका कोई नुकसान होना, ये ब्याह शादी में गए थे बंद करके। हाँ, ये अपने घर गए हुए थे, ये अपनी ड्यूटी गए थे विजय जी, और इसका परिवार जो है वो अपने घर गया था असंध। तो ये नई पुलिस लाइन में सभी पुलिस अधिकारी रहते हैं? हाँ, नई पुलिस लाइन में सभी पुलिस अधिकारी रहते हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी एक FIR दर्ज कर दी है, और अभी देखते हैं वहाँ। अज्ञात चोर? हाँ, अज्ञात चोर, अभी तक तो पता नहीं लगा, जल्दी गिरफ्तारी होगी, नोट लेंगे जल्दी। क्या है, चोरी कैसे हुई और क्या सामान लेके गए? ऐसा जी, मैं घर गई हुई थी तो मेरे को फोन आया, ऐसे ऐसे आपका ये लॉक टूटा हुआ है, 4 तोले का सेट था बेटी के लिए, अभी बनवाया था 20 दिन पहले ही, अपना वो चोरी हो गया जी। तो ताला तोड़ के? हाँ जी, बेड का लॉक था जी। अच्छा, तो क्वार्टर में यहाँ कैसे घुसे वो? मेरे को पता नहीं जी, वैसे हाँ जी, मेरे को पता ही नहीं भाई, अपना क्वार्टर में काफी क्वार्टरों में लोग टूटे हुए हैं, 4-5 क्वार्टरों में यहाँ पर चोरी हुई है। हाँ जी। तो एक तो सोने का सेट है, 4.5 तोले कितने का? 4 तोले का जी। और क्या है साथ में? बस जी वही है जी, 4 तोले का, गले की चैन है, कन्नों के है जी, अंगूठी है, नाथ है जी उसमें। अच्छा, पूरा सेट है। हाँ जी हाँ जी। पड़ोसियों ने जानकारी दी थी आपको? पड़ोसियों ने बताया था? हाँ जी हाँ जी, पड़ोसियों ने बताया भी आपका ऐसे लोग टूटा हुआ है जी। तो पुलिस को जानकारी दे दी है आपने, बता दिया? हाँ जी पता, मैं तो ये जाऊँ जो भी यहाँ मैं सेफ नहीं है तो कहाँ भी। हाँ, मतलब पुलिस लाइन में आपके यहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी है, उसके बाद भी चोरी होगी, तो सुरक्षा की मांग करेंगे यहाँ पर और कोई? बिल्कुल जी, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ये मेन गेट पे कोई ये पूछता नहीं है कभी कौन जा रहा है कौन आ रहा है, जितने मर्जी आओ जाओ भी, कूड़े वाले भी कभी किसी को ले आती है कभी किसी को ले आती है, सारा मेन गेट पे पूछताछ होनी चाहिए। तो क्या लगता, कोई ना कोई भेदती हो सकता है जिसने आपके? ये मैं कैसे कह सकती हूँ जी, अभी कहते हैं कि 2 दिन पहले कोई गौशाला भी आए यहाँ क्वार्टर में, हर क्वार्टर में उन्हें अपना ऊपर आके सब भी मांग गया उन्होंने, पता नहीं। क्या नाम आपका? उषा जी। जानकारी मिली है यहाँ पर पुलिस लाइन में, बता रहा है कि 5-6 घरों में चोरी होगी, क्या जानकारी मिली? ये जानकारी मिली भाई, यही हमने तो है कुंडा टूटे और देखे हैं, ये से ना
अच्छा। दोनों क्वार्टरों के अच्छा। जानकारी मिली, आके देखा तो कुछ है। तो कितना सोना बता रही है आपके पड़ोसी? इनका तो ये बता सकते हैं, इनका जो है आपके उसमें भी चोरी हुई? हाँ जी। क्या 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 सामान ले गए? मेरा तो कुछ नहीं गया जी अभी। अच्छा। मेरा तो सब कुछ कुंडे वगैरह ताले, मेरा तो ताला ही टूटा है। अच्छा। और कुछ नहीं गया। पड़ोसी बता रहे 6 तोड़े सोना ले गए, नगदी भी ले गए। बता रहे हैं तो इनसे यही बता। अच्छा। सकते हैं इस बारे में। तो ये पुलिस लाइन में कहीं ना अब क्या कहेंगे, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए? और सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन में सेफ नहीं है तो बाहर का बंदा क्या सेफ है? तो गेट पे भी कोई जांच होनी चाहिए, कोई अंदर आए गेट पे भी चेकिंग होनी चाहिए, जांच वगैरह होनी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.